तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, श्रीनगर का ईदगाह इलाका फायरिंग हुई, कुछ लोगों को गोली लगी है, ऐसी भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। शुरुआती जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, कुछ लोगों को गोली लगी है, ये शुरुआती इनपुट है। ईदगाह इलाका है श्रीनगर का, वहां पर ये गोलीबारी हुई है। कुछ और जानकारियों के अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये शुरुआती इस वक्त का जो ब्रेकिंग इनपुट है, श्रीनगर ईदगाह इलाका यहाँ का, वहां पर फायरिंग हुई है और कुछ लोगों को गोली लगने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ चुके। खालिद, क्या इनपुट मिल रहा है, कुछ लोगों को भी गोली लगी फायरिंग में? ये खबर आ रही है कि ईदगाह जो संगम इलाका है, ये जीरियर इलाका है ईदगाह के श्रीनगर का, वहां पर कुछ फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि दो लोगों को वहां गोली लगी है। अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है इन सब बातों की। शुरुआती जानकारी यहां से मिल रही है कि वहां दो लोगों को गोली लगी। अब ये दो लोग कौन है, कैसे फायरिंग हुई, क्यों फायरिंग हुई, ये जांच का विषय है और पुलिस ने अभी तक इस पे कुछ भी नहीं बोला है और ना कोई पुलिस का स्टेटमेंट आया है। इब्तदाई जानकारी है कि फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और एक स्कूल, कहा जाता है कि स्कूल के भीतर ये फायरिंग हुई है जहां दो लोगों को गोली लगी है। अब आगे क्या डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स जैसे हमें सुरक्षा अधिकारी शेयर करते हैं हम भी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी खबर है कि वहां पर जो है फायरिंग हुई है। जी, बड़ी जानकारी इस वक्त की। खालिद हुसैन, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप साझा कर रहे हैं श्रीनगर का ईदगाह इलाका, इलाके में फायरिंग में कुछ लोगों की गोली लगी है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जख्मी कुछ लोग हो गए हैं। खालिद हुसैन मेरे साथ चुकी लगातार है। खालिद, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से विस्तार से बताएं, ईदगाह इलाके में कौन सी जगह है जहां पर फायरिंग हुई है, कैसा इलाका बताया जा रहा है, हमले की जानकारी, फायरिंग की जानकारी, लोगों के जख्मी होने की जानकारी, खालिद विस्तार से बताएं। देखिए, ये अभी कुछ ही देर पहले जो ईदगाह का संगम इलाका है, जो है जो एक एक्सटीरियर इलाका है यहाँ का श्रीनगर एरिया का, वहां पर फायरिंग की खबर आई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है, जो खबर मिल रही है, कि दो लोगों को वहां गोली मिली है, एक स्कूल के भीतर बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है और वहां पर जो है कुछ लोगों को शायद गोली लगी है। अब उनकी स्थिति क्या है, इंसिडेंट कैसे हुआ है, फायरिंग किसने की है, ये अभी जानकारी जो है हमारे पास नहीं पहुंची है, जैसे आएगी हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जरूर इस इलाके में फायरिंग की खबर सुनाई दी गई है और वहां पर जो है पुलिस अधिकारी अब उस जगह का रुख कर रहे हैं। स्पॉट का जो है इन्वेस्टिगेट होगा कि आखिर मामला क्या है, कि ये कैसे ये इंसिडेंट हुआ है। आतंकी हमला कह सकते हैं खालिद हुसैन इसको, एक स्कूल के अंदर फायरिंग हुई, कुछ लोग जख्मी हुए, जो जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस घटना की नहीं हुई है और कोई कुछ भी कहना अभी मुश्किल है कि ये हमला किसने किया है, फायरिंग कैसे हुई है और किस पर फायरिंग हुई है, क्यों कर फायरिंग हुई है, ये कह पाना मुश्किल है। थोड़ी देर में जो है घटना का सारा जो है साझा हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है, उसके बाद ही हम सही खबर दे सकते हैं कि आखिर फायरिंग क्यों हुई और किस पर हुई, किसने फायरिंग की, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। जी खालिद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच श्रीनगर के ईदगाह से जो जानकारी मिल रही है, खालिद उस पर तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, सारे इनपुट्स दे रहे थे। हालांकि ईदगाह में एक स्कूल है, स्कूल में फायरिंग किसने की है, किस पर की है, आतंकी हमला है या नहीं है, उसके लिए कुछ डिटेल्स का भी इंतजार बाकी है। तो खालिद जिस तरीके से वहां से रिपोर्ट कर, उनका कहना है कि कुछ इंतजार कुछ देर का भी हमें करना होगा कुछ और डिटेल्स के सामने आने का। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है वो फायरिंग की जानकारी है ईदगाह इलाके में, क्या ये आतंकवादी हमला है या फिर नहीं, इसके लिए इंतजार अभी बाकी है, पुष्टि होना बाकी है। लेकिन कुछ लोग जख्मी हो गए हैं, ये शुरुआती जानकारी जरूर खालिद ने साझा की है। आतंकी हमले में कुछ लोगों के, एक स्कूल के भीतर आतंकियों ने फायरिंग की। देखिए, लगातार अपडेट हो रही है खबर, श्रीनगर का ईदगाह इलाका, उसमें फायरिंग हुई है, स्कूल के अंदर फायरिंग हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है। खालिद, आप मेरे साथ मौजूद हैं, एक स्कूल के अंदर ये फायरिंग हुई है, कुछ लोगों के जख्मी होने का भी यहाँ पर खबर मिल रही है, कितनी देर पहले की ये पूरी घटना है, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये खबर लगभग 20-25 मिनट पहले जो है आई कि वहां पर फायरिंग हुई है, एक स्कूल के भीतर बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है, दो लोगों को वहां गोली लगने की खबर है, क्रिटिकल बताए जा रहे हैं दोनों। लेकिन हमला कैसे हुआ,
किसने फायरिंग की और क्या स्थिति वहां पर थी, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी इस पे जो है बयान नहीं आया है और ना ही किसी पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन इतना जरूर है कि बताया जा रहा है कि दो लोगों को वहां पर गोली लगी है और तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो घटनास्थल का रुख कर रहे हैं और उसका वहां पर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि मामला क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुई, किस पर फायरिंग हुई, जो लोग घायल हुए हैं वो कौन है, ये थोड़ी देर में सामने आएगा। जी तो खालिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ। फायरिंग किसने की है, फायरिंग क्यों की गई है, कैसे हुई है, ये सारे वो सवाल है जिसका इंतजार अभी बाकी है। कुछ और जानकारियों के लिए हम लौटेंगे। फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है श्रीनगर से, यहाँ का ईदगाह इलाका, उसमें एक स्कूल में फायरिंग, दो लोगों के जख्मी होने की जानकारी जो खालिद हुसैन श्रीनगर से हमारे संवाददाता है वो साझा कर रहे थे। कितने लोग स्कूल में मौजूद रहे, इसको लेकर कुछ इनपुट है क्या आपके पास खालिद? हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कितने लोग होंगे स्कूल में, क्योंकि फायरिंग हुई है, दो लोगों के जख्मी होने की जानकारी आप साझा कर रहे हैं, और लोग भी हो सकते हैं जख्मी, और लोग भी स्कूल में शामिल हो सकते हैं जिस दौरान ये फायरिंग रही? बिल्कुल, देखिए स्कूल चूंकि खुला था क्योंकि स्टाफ को यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो स्कूल को अटेंड करें और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी लोग वहां पर हो सकते हैं मौजूद स्कूल में, जिस तरह से स्कूल खुला था और उस पर ये जो दो लोग जिन पर हमला हुआ है या जो दो लोग घायल हुए हैं वो क्या उन पर टारगेटेड हमला था या फिर और कुछ था, ये भी कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो है वहां पर कितने लोग थे, एग्जैक्ट नंबर क्या था वो भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ही शुरुआती जानकारी है और जैसा मैंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है क्योंकि खुद वो घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं और इस बात का जो है आंकलन लगा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, घटना कैसे हुई है। जी कैसे ये घटना हुई है, क्यों ये घटना हुई है, कितने लोग स्कूल में शामिल थे, स्कूल के अंदर उस वक्त जो स्कूल का स्टाफ होता है वो लोग मौजूद थे, जिस तरीके से खाली जानकारी साझा कर रहे हैं, हालांकि पुलिस जो है उसकी तरफ से अभी जो औपचारिक जानकारी है सारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसका इंतजार अभी बाकी है। तो श्रीनगर के ईदगाह इलाके से इस वक्त का इनपुट मिल रहा है जहां पर फायरिंग हुई है, फायरिंग में कुछ लोग जख्मी हुए हैं, हालांकि क्यों ये फायरिंग की गई, किसके द्वारा ये फायरिंग की गई, कितने लोग स्कूल में मौजूद थे, कितने लोग जो है इस फायरिंग का शिकार हुए, हालांकि जो अब तक की जानकारी है उसमें दो का इनपुट मिल रहा है लेकिन और भी लोग स्कूल में मौजूद थे, चूंकि स्कूल खुला हुआ है, स्कूल का स्टाफ स्कूल में मौजूद था तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है जख्मी लोगों का। लेकिन खालिद जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी जो पुलिस है उसकी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो कि श्रीनगर के ईदगाह में फायरिंग की खबर मिल रही है, बहरहाल दो लोगों को गोली लगने की खबर मिल रही है ये इस वक्त की जानकारी। तो 90 मिनट के अंदर तीन हमलों से दहला है जम्मू कश्मीर और इस वक्त ये खबर है ईदगाह इलाके से श्रीनगर के एक स्कूल में फायरिंग की गई है। या क्या ये आतंकवादी हमला है या फिर इस हमले को लेकर कोई भी इनपुट मिलेगा हम तुरंत साझा करेंगे, लेकिन खालिद मेरे साथ है। खालिद कोई ब्रेकिंग इनपुट इस वक्त आपके पास आता हुआ स्कूल के अंदर फायरिंग को लेकर? ये भी खबर आ रही है कि वहां पर जो दो लोग जो घायल हुए थे शायद उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि में फिर एक बार दर्शकों को बताऊं कि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जरूर वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में जो है दो लोगों को क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे और अब ये खबर मिल रही है कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बीच जो है अचानक से फायरिंग की खबर आई और उसमें दो लोगों पर फायरिंग हुई है जिसपे वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे और उसके बाद अब ये अभी खबर मिल रही है कि दो लोग जो है वो उसमें मारे गए हैं। अब ये दो लोग कौन है, क्यों उनको मारा गया और किसने फायरिंग की, ये अभी कुछ ही देर में ये जो है घटना का सारा क्रम जो है सामने आएगा जब पुलिस इसमें विस्तार से अभी बताएगी कि आखिर हुआ क्या था। तो श्रीनगर के ईदगाह में फायरिंग की जानकारी मिल रही है, दो लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, कुछ लोगों के जख्मी होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। आतंकी हमले में दो लोगों की, देखिए ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, दो की मौत की खबर, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। एक स्कूल जो कि जहां पर लोग अंदर रहे होंगे, स्कूल खुला हुआ था, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में यह स्कूल पड़ता है जहां पर इस हमले की, इस फायरिंग की जानकारी मिल रही है, और इस वक्त की जो खबर है जो खालिद हुसैन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ साझा कर रहे हैं उसमें दो लोगों की मौत की खबर मिल रही है, कुछ और लोग जख्मी हो सकते हैं इस फायरिंग में। आतंकी हमले में दो लोगों की मौत की खबर मिल रही है,
एक स्कूल के अंदर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 2 की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े में इजाफा हो सकता है, आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि स्कूल खुला था, उसमें और लोग मौजूद थे। लिहाजा इस फायरिंग में कितने लोग और जख्मी हुए हैं, इसके लिए जो आधिकारिक पुष्टि है उसका इंतजार अभी करना बाकी है। लेकिन खालिद बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और लोग जख्मी हो सकते हैं। वो आंकड़ा जख्मियों का कितना है जो कि स्कूल परिसर के अंदर मौजूद थे जब फायरिंग हुई थी, किसने की है फायरिंग, क्यों की गई है फायरिंग, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये वो सवाल है जिसका इंतजार अभी बाकी है। खालिद, किसने ये हमला किया है, किसने ये फायरिंग की है, इस पर हम लगातार बने हुए हैं। इस खबर के साथ फिलहाल हमें रुकना होगा, कुछ देर के लिए हम रुकेंगे, वापस लौटेंगे फौरन।